नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के बॉस हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ये साफ कर चुकी है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख हैं और उनके पास ही संवैधानिक अधिकार है। दिल्ली सरकार कोई भी फैसला उपराज्यपाल की अनुमति से ही ले सकती है और इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सारी अधिसूचनाओं को भी रद्द कर दिया है जिस पर उपराज्यपाल की मुहर नहीं थी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लिहाजा उपराज्यपाल ही संवैधानिक प्रमुख है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह जरूर कहा है कि दिल्ली सरकार सिर्फ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति अपनी मर्जी से कर सकती है और बाकी सभी संवैधानिक अधिकार उपराज्यपाल के पास है। इसके साथ ही जितनी भी अधिसूचनाएं उपराज्यपाल की अनुमति के बगैर जारी की गई थी उन सभी को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। दिल्ली में कुछ दिनों से ये मझधार में थे लोग कि दिल्ली सरकार दिल्ली स्टेट की तरह मानी जाएगी, कि उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन ली जाएगी। तो जो 239 आर्टिकल अनुच्छेद 239 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी यूनियन टेरिटरी है उसको गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेके, अपनी अप्रूवल लेके, जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं, जो भी इंक्वायरी कमीशन है वो और कोई सर्विस मैटर है वो आपको करना पड़ेगा। इस बात पे जब दिल्ली सरकार ने केस याचिका डाली है दिल्ली हाईकोर्ट में, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि फॉर ऑल पर्पसेस दिल्ली स्टेट यूनियन टेरिटरी माना जाएगा और जब तक आप एलजी से अप्रूवल नहीं लेंगे किसी भी पॉलिसी का वो वैध नहीं माना जाएगा, उसको इलीगल माना जाएगा। तो जो सारे नोटिफिकेशन थे उनको रद्द कर दिया गया है। कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी थी, कोई स्टैम्प ड्यूटी के बारे में था, कोई सीएनजी स्कैम था, वो सारे नोटिफिकेशन रद्द किए गए हैं। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरी सहयोगी निवृत्ति मोहन तो साथ ही मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप दीक्षित, क्या आपको लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के अब इस फैसले के बाद जो दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुचारू तौर पर ठीक तरह से चल पाएगी? देखिए, इसका स्वागत करते हैं। पहले से ये बात बहुत ठीक तरह से स्थापित थी कि एलजी को एक तरीके से दिल्ली की सरकार माना जाता है, क्योंकि एक आधे यूनियन टेरिटरी आधे स्टेट का दर्जा हमेशा मिला है। पहले भी सरकारें काम की हैं और जब भी आवश्यकता होती थी एलजी के साथ मेल मिलाप करके काम किया कर सकते थे। मैं इस बात को बड़े मतलब क्योंकि थोड़ा सा अनुभव है उससे कह रहा हूं कि जब दिल्ली में जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल बीजेपी की सरकार केंद्र में थी और कांग्रेस सरकार थी और उसके बाद दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें रहीं, जो भी एलजी रहा आदान प्रदान होता था बात का। कई बार ऐसे विषय भी आए जिसमें एलजी में और दिल्ली सरकार एक दूसरे के साथ बात नहीं मानती थी, तो सुलझाकर बात समझा ली जाती थी। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि जो स्थापित परंपरा है या संविधान के हिसाब से कानूनों के हिसाब से जो प्रक्रिया बनाई गई थी अधिकारियों द्वारा उसको एलजी ने या मुख्यमंत्री ने कभी गलत तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कानूनों का उल्लंघन किया है मेरे हिसाब से तो एक बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से किया और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की ये इनकी कवायद रही। और मैं स्वागत करता हूं इस जजमेंट का, जैसे आपने कहा आशा करूंगा कि आगे चलकर आम आदमी पार्टी इससे सीख लेगी और दिल्ली का प्रशासन अब बेहतर रूप से चलेगा। क्या एक बड़ा झटका मानते हैं दिल्ली सरकार के लिए संदीप दीक्षित? आप इसे सभी अधिसूचनाएं रद्द कर दी? बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए इनका ये था कि अपनी नाकामियों को भारत सरकार पर मढ़ना, नरेंद्र मोदी जी पे मनना, औरों पे मनना। देखिए हम लोग भी नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी के खिलाफ हैं, हम लोग विपक्ष के लोग हैं, लेकिन कोई पार्टी अनायास गलत तरीके से किसी और पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए इल्जाम लगाए ये तो सरासर गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप दीक्षित बातचीत करने के लिए। साथ ही मेरी सहयोगी निवृत्ति मोहन लगातार इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रही हैं। निवृत्ति, अब क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को ये समझ में आएगा कि उसे क्या फैसला लेना है, उपराज्यपाल की अनुमति के साथ काम करना है, ताकि बार बार उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के सामने दिल्ली सरकार के बीच में जो रिफ देखने को मिल रही थी वो अब दूर हो सके? देखिए पूर्णिमा, रिफ्ट दूर होने का तो इस वक्त तक कोई ऐसा चांस लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब इस फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जल्द ही वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने भी वाले हैं, इस तरह की बात है जो सामने आ रही है इस वक्त। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा झटका जरूर दिल्ली सरकार को लगा है, पहले भी डिस्कशन होते रहे। निवृत्ति, मैं आपको रोकना चाहूंगी, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सर, दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को संवैधानिक लिहाज से हम कैसे देखें और साथ ही क्या दिल्ली सरकार अब इस फैसले को आगे सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट पूरी आजादी है, लेकिन जहां तक फैसले का सवाल है, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं समझता हूँ संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से फैसला बिल्कुल सही है और अपेक्षित लाइंस पर है। मैं तो पिछले दो वर्ष से बराबर कह रहा हूँ आप लोगों से भी कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी बाय डेफिनेशन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये स्टेट नहीं है, हाफ स्टेट भी नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, संविधान में स्पष्ट है और ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है। इसलिए मैं नहीं समझता कि सो कॉल्ड दिल्ली सरकार का कोई औचित्य बनता है इस बात को आगे प्रेस करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मामले में जान है। सर, संवैधानिक लिहाज से आपसे समझना चाह रही हूँ कि यानी कि अब ये माना जाए कि सिवाय स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के अलावा दिल्ली सरकार को अब कोई भी फैसला लेना होगा आगे, तो उसमें उपराज्यपाल की अनुमति उनके लिए जरूरी होगी? देखिए, उपराज्यपाल दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत मामलों में उन्हें राज्यपालों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि दिल्ली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है और एडमिनिस्ट्रेटर राज्यपाल हैं। दिल्ली की असेंबली को, सरकार को बहुत सीमित अधिकार क्षेत्र दिया गया है और वो भी सब्जेक्ट टू एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल पार्लियामेंट के अधिकार पूरे यूनियन टेरिटरी के हर मामलों पर कायम है और उसके अधीन ही दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए। तो जरूरी मेरे ख्याल से ये था कि जो सरकार दिल्ली में चुनी हुई आई वो राज्य उपराज्यपाल के साथ सहयोग करके उन्हें सब बातों के बारे में सूचित करके काम करती, बजाय इसके कि कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड उन्होंने शुरू से अपनाया। जी सर, दिल्ली में, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली की चुनी हुई सरकार कन्फ्रंटेशन से काम नहीं चला सकती, बल्कि उन्हें उपराज्यपाल के सहयोग से और समर्थन से ही काम चलाना चाहिए था और आगे भी चलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष कश्यप बातचीत करने के लिए हमसे, और साथ ही मेरे सहयोगी निवृत्ति मोहन लगातार इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रही हैं। निवृत्ति, अपनी बात आप पूरी कीजिए और साथ ही अब इस फैसले को और बेहतर तरीके से थोड़ा समझाए। निवृत्ति, आपको रोकना चाहूंगे, सत्येंद्र जैन इस पर कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, पहले उन्हें सुन लें। कार्यवाही नहीं करी, एक बड़ा झटका हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को। देखिए, पहली बात तो मैं, चलो केंद्र कर्मचारी की बात, ऐसी भी तो स्टेट कर्मचारी के ऊपर भी नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार के ऊपर हमें पता है कि पिछले लगभग एक साल से दिल्ली सरकार किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। तो उसमें मुझे लगता है इसके अंदर कोई ऐसा आया नहीं है, जो वर्स्ट है वही है। बस ये कि हम दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया था और मुझे लगता है इसको उन्होंने अपील किया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। 239 जो जिस तरह की फिलहाल उसके जो प्रोविजन है या उसकी जो डेफिनेशन है वो एज इट इज बनी रहेगी। जो आपने एलजी के खिलाफ या तमाम और मामले इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी वो भी खारिज हो गया। देखिए, तो देखना पड़ेगा जजमेंट क्या है, आपने अभी बताया मुझे, और अगर इंक्वायरी कमीशन को सेटिसाइड किया गया, इट डजंट मीन कि भी कि एलजी साहब ने ये जो भी है कि कुछ नहीं मानेंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस के लिए कहा हो उन्होंने, जैसे कि लैंड है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, उसके अंदर हो सकता है उनको उन्होंने कहा हो कि उनके अंदर हमारी सारी बातों को मानना जरूरी नहीं है, पर मैं ऑर्डर देखने के बाद ही कुछ पता नहीं। हाईकोर्ट ने ये फैसला 11 जो केसेस चल रहे थे उनकी मेरिट पे दिया है, क्या लार्जर पावर फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली? नहीं, वो तो जाना ही होगा, जो फैसला होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही करेगी। जो और निवृत्ति मोहन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, तो निवृत्ति, अब ये माना जाए कि दिल्ली सरकार को पूरी तरह से बेहतर तालमेल के साथ उपराज्यपाल के साथ फैसले लेने होंगे, क्योंकि पहले की सारी नोटिफिकेशंस, सारी अधिसूचनाएं भी कोर्ट ने रद्द कर दी हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार वाकई में चाहती है कि दिल्ली वासियों के लिए कुछ काम हो तो जरूर तालमेल बिठाकर काम करना पड़ेगा। और अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, इस ऑर्डर के बाद, ये जरूर सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली सरकार
जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए उस तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर काफी पिटिशन थी, उन्हीं में से एक पिटिशन के लॉयर हैं हमारे साथ जिनका नाम ओपी सक्सेना है, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप किस मामले में थे इसमें और क्या जो सर्कल रेट का हमने चैलेंज किया था कि दिल्ली सरकार को सर्कल रेट फिक्स करने का मामला नहीं अधिकार नहीं है क्योंकि ये अधिकार केवल एलजी के पास है। तो ये सारी पिटिशनें इकट्ठी सुनवाई हुई थी और ये इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था कि दिल्ली के मामलों में अंतिम निर्णय किसका होगा। तो आज अदालत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि चाहे दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है लेकिन वर्चुअली ये अभी भी यूनियन टेरिटरी है और इसमें जो एलजी बीइंग अपॉइंटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरी पावर है एज एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी कानून बनेगा दिल्ली असेंबली जो भी कानून बनाएगी वो बिना एलजी की कंकरेंस के नहीं बन सकता। और यही क्योंकि हमारा जो सर्कल रेट का मामला था वो लैंड का मामला आता है और लैंड स्पेसिफिकली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती थी तो हमने ये याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को माना। सर, बिना परमिशन के कोई भी फैसला चाहे वो कोई भी फैसला हो नहीं ले सकती। हाँ, बिल्कुल, कोर्ट ने आज बड़ा स्पष्ट कर दिया, इसको बल्कि वाइडर रेमनिफिकेशन है इसके कि इवन इन उन मामलों में जहां दिल्ली सरकार को दिल्ली असेंबली को पावर है कानून बनाने की उस पर भी बिना एलजी की कंग्रेस के नहीं मामला चलेगा और एलजी की कंग्रेस होनी जरूरी है। अतः जो कैबिनेट का जो डिसीजन है वो एलजी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है जैसे बाकी स्टेट्स में होता है। सर, डिसएग्रीमेंट की स्थिति में अगर एलजी के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में डिसएग्रीमेंट की स्थिति है तब भी ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास वो मामला जाए और अगर वहां जब तक वहां से फैसला नहीं आता तब तक एलजी के पास ही पावर रहे। बिल्कुल, ये स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि एलजी बीइंग द फाइनल अथॉरिटी अगर कोई कन्फ्लिक्ट है भी कैबिनेट का, कैबिनेट इस मामले को राष्ट्रपति को भेजे लेकिन वो जब तक वो राष्ट्रपति उस मामले को रद्द ना कर दे जो पूरी पावर है वो एलजी के पास ही रहेगी और बिना एलजी की कंकरेंस के कोई कानून नहीं बना सकती दिल्ली सरकार। सर्विस मैटर्स के बारे में भी कहा कि मैटर में भी स्पेसिफिकली एसीबी के बारे में था, एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में, उन्होंने कह दिया कि एंटी करप्शन ब्यूरो को कोई पावर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के खिलाफ कार्रवाई करने की। ऐसे सीएनजी स्कैम में भी कहा कि जो पावर है अपॉइंट करने की कमीशन ऑफ इंक्वायरी वगैरह वो सिर्फ एलजी के बिना कंग्रेस के नहीं हो सकती। ये सारे नोटिफिकेशन आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए। सर, जितनी भी नोटिफिकेशंस अब तक दिल्ली सरकार ने बिना एलजी के परमिशन के निकाली है, जितने भी ट्रांसफर्स किए गए हैं, जितने भी लोगों को निकाला गया या सस्पेंड किया गया, वो सब अवैध माना जाए आज? वो आज सारे इलीगल डिक्लेयर कर दिए। स्पेसिफिकली उन्होंने कह दिया कि सब मामलों को हम जितने भी नोटिफिकेशन बिना एलजी की कंकरेंट के इशू किए गए हैं वो हम यहाँ से स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। देखा यहाँ पे पूर्णिमा, साफ तौर पर दिल्ली सरकार को एक बहुत बड़ा झटका है, अवैध बताए जा रहे हैं अब जितने भी डिसीजंस लिए गए, चाहे वो ट्रांसफर्स के डिसीजंस हो, चाहे ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स के डिसीजंस हो, या जितनी भी नोटिफिकेशंस जारी की गई हो बिना एलजी के परमिशन के, उन सब पे अब एक सवाल खड़ा हो गया है और निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार को अब ये समझने की जरूरत है कि उन्हें एलजी के साथ मिलकर ही काम करना। बिल्कुल, निवृत्ति, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात को बरकरार रखा है कि जो पावर सेंटर है वो उपराज्यपाल के हाथों में है और उपराज्यपाल से तालमेल कर दिल्ली सरकार को सब फैसले लेने होंगे।